नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ राइट साइड पैरालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने राइट लेफ्ट दोनों बताया, वो वीडियोस हमारे हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ, तो फिर मैंने लेफ्ट साइड पैरालिसिस का बताया। आज मैं आपको राइट साइड पैरालिसिस के बारे में बताता हूँ, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और आप खुद से घर पर बैठ कर सकते हैं और खुद का फ़ायदा पहुँचा के दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, इसमें कुछ टाइम जा सकता है। एक्चुअली क्या पैरालिसिस होता क्यों है, सबसे पहले तो ये जानिए, जब आपका बीपी लेवल बहुत हाई हो जाता है और हाई होने के बाद वो ब्लड नहीं निकलता है तो ब्रेन के अंदर में ब्लड जम जाता है, जहाँ पे वो जमता है उसी से आपको पैरालिसिस का इफेक्ट होता है, अटैक होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है तो आप ये जानिए कि आपके साथ जो पैरालिसिस का जो अटैक हुआ वो हाई बीपी के कारण है, और हाई डायबिटीज़ के कारण हाई बीपी भी बढ़ता है, इससे ही पैरालिसिस के अटैक्स होते हैं। कभी 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 लेफ्ट, कभी राइट, कभी दोनों साइड, इस तरह से पैरालिसिस के सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका वॉल खड़ा है और पानी नदी की आ रही है, बाढ़ का पानी आ रही है, समुद्र का पानी आ रहा है, और दीवार अगर मजबूत नहीं होगा तो दीवार को मारता ही रहेगा, मारता रहेगा कंटिन्यू दोस्तों, और उससे क्या होगा, आपको वो दीवार को टूटने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, सेम चीज़ें इसमें होती है, अगर एक छोटा सा भी होल हो जाए दीवार के अंदर में तो पानी निकल जाएगा। तो अगर जिसे भी आगे आगे किसी को पैरालिसिस ना हो, उसके लिए बताता हूँ, ये उंगली के जितने भी टॉप्स हैं दोस्तों, अगर जब बीपी हाई हो जाए, अगर आजकल कॉमन बीपी मशीन है, ध्यान रखिएगा, पसीना पसीना हो जाए, आदमी परेशान हो जाए, तो एक निडल लेना है जिसको गर्म करके, निडल तो घर के सबके घर में रहता है, सुई गर्म करके, आग पे गर्म करके, और इस पॉइंट पे दबा के एक एक बूंद निकाल, ब्लड निकाल देना है हर एक उंगलियों से दोस्तों। अगर इतना कर देंगे तो ना हार्ट अटैक होगा, ना ब्रेन हैमरेज होगा, ना पैरालिसिस होगा दोस्तों, बीपी का लेवल गिर जाएगा, क्योंकि ये ब्लड हमने निकाल दिया, वही ब्लड का अटैक होता है। तो दोस्तों, अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो आप पैरालिसिस से बच सकते हैं। ये तो हो गया पैरालिसिस से बचने का तरीका। दूसरा, अगर दोस्तों किसी को पैरालिसिस है, हो गया, या बार बार बीपी ज़्यादा हो रहा है, तो सेंधा नमक खाएं, रॉक सॉल्ट खाएं दोस्तों। रॉक सॉल्ट खाने से बीपी लेवल जो है आपका नॉर्मल रहेगा और आप बहुत हद तक पैरालिसिस अटैक से बच सकते हैं दोस्तों। तो सेंधा नमक, दोनों नमक में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 20-25 रुपए का डिफरेंस है दोस्तों, तो वो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ध्यान रहे कि सेंधा नमक सिर्फ व्रत और क्या कहते हैं हम, पूजा के लिए ही नहीं है, ये आप डेली यूज़ करने के लिए है, ये आपको धर्म के नाम पे बताया गया है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, तो इस नमक का इस्तेमाल कीजिए। आगे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जिसे पैरालिसिस हो चुका है वो क्या है। तो मैं लेफ्ट का बता चुका हूँ, लेफ्ट साइड पैरालिसिस का पूरा बताया हूँ। अब राइट साइड जब पैरालिसिस होता है, तो लेफ्ट साइड जब पैरालिसिस होता था तो राइट ब्रेन पे इफेक्ट है, जब राइट साइड पैरालिसिस होगा तो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है इसमें क्लॉट जमा हुआ है, इसमें ब्लड जमा हुआ है दोस्तों। अब इसे हटाना है हमें, तो इसे कैसे हटाएंगे दोस्तों? तो हमारे हाथ में जो ये पॉइंट है दोस्तों, देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना पहला फोल्ड, सेकंड फोल्ड, बीच का जो फोल्ड है, ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट में हमारे ब्रेन का पॉइंट है। यहाँ पे मुंह, नाक, कान, आँखें, यहाँ पे हाथ पैर, पूरी बॉडी है। इसी तरह से यहाँ भी सेम चीज़ें यहाँ पे आती है दोस्तों, सेम जिस तरह से इस हाथों में है उसी तरह से इस हाथों में दोस्तों। इसे क्या करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे इसमें, ये एक रेड कलर लेना है हम लोगों को, अगर हम कुछ नहीं कर सके, एक रेड कलर लिया और रेड कलर का इस्तेमाल ये इस पार्ट में रेड कलर का इस्तेमाल करना है दोस्तों, बराबर सेम चीजें दोस्तों हमें इस साइड भी करना है। अगर आप नॉर्मल सिर्फ रेड कलर का भी इस्तेमाल करके अगर छोड़ देंगे तो भी पैरालिसिस में आपको बहुत फायदा करेगा दोस्तों। एक काम तो आपको ये करना है दोस्तों यहाँ पे, इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स को आपको दबाने हैं दोस्तों, दबा के देखना है कौन से पॉइंट में आपको दर्द है, जिस पॉइंट में भी दर्द है उस पॉइंट में आपको क्या करना है दोस्तों, पॉइंट को बार बार दबाना है उसे, और दबा के वहाँ पे राई का दाना लगाना है दोस्तों, जहाँ बबल्स हो, गुबल्स हो, ध्यान रखना है दोस्तों, ये होना ही है। जो सबसे ज़्यादा पेनफुल पॉइंट होगा उस पॉइंट पर सीड्स लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा, नहीं तो आप हर एक पॉइंट पर सीड्स लगा सकते हैं दोस्तों दोनों हाथों में। तो जिनको पैरालिसिस है वो तो खुद से नहीं दबा सकेंगे, वो एक हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो एक हाथ में करें,
लेकिन उनके घर पे अगर कोई भी मेंबर हो तो वो प्लीज कर सकते हैं, आप प्लीज उनका ये पार्ट का काम कीजिए, आप दबाइए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ के अलावा आपको पैरालिसिस किस साइड है? राइट साइड दोस्तों। तो जब राइट साइड आपको पैरालिसिस है तो राइट साइड के पैरालिसिस के ब्रेन को क्या करना है हमको? ओपन कर, किधर का करना है? लेफ्ट साइड के ब्रेन को। तो लेफ्ट साइड का ब्रेन कैसा? तो ये जब हमारा ये पार्ट है, ये पूरा ये हमारा ब्रेन है, तो ये इसका ये ऐसे करके सामने रखेंगे तो इसका लेफ्ट साइड इधर आएगा दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग को रेड कलर का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये नॉर्मल पूरे में रेड कलर का इस्तेमाल करना है, ये रेड कलर का सेम इस हाथों में भी और इस हाथों में भी दोस्तों। हमारी कोशिश है कि सिर्फ आप कलर लगा के इसे, आप सेम नॉर्मल कलर भी लगा के आप इसे ये कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये तो करना ही है, ये तो दोनों में सेम है। और ये देखिए दोस्तों, ये इस साइड हमारा लेफ्ट साइड, ऐसे में जब सामने में रहता है ये लेफ्ट साइड, ये साइड देखिए ये इस साइड में आया दोस्तों, लेफ्ट साइड में दोनों हाथों में ये करना है और इस पॉइंटों को दबाना है दोस्तों। ये पॉइंट भी आपका पेनफुल होगा दोस्तों, इस पॉइंट को भी दबा के दबाते रहना है। अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप इसे दबाते रहिए। जिनको हो चुका है पैरालिसिस वो भी चाहें तो जिस साइड में है दूसरे हैंड से वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इस इस्तेमाल के बाद जो है आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए पूरा क्या, ये आपका पूरा हार्ट है ये पूरा। अगर लेडीज हैं तो राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए, जेंट्स हैं तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। और पैरालिसिस वाले को एक हैंड में तकलीफ होती ही है तो जिस हैंड में है उसका सेकेंड हैंड का इस्तेमाल कीजिए, और उस हैंड में भी कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, ये पॉइंट को दबाना, ये आपका हार्ट का पॉइंट है। इस हार्ट के पॉइंट को दबाने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको लाल रंग का ये लगाना है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स ये सॉल्व हों। हार्ट के बाद जो है आपका ये सारा एरिया जो है, ये पूरा एरिया लंग्स है, इस लंग्स के पॉइंट को भी दबाना है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ साथ एक लंग्स का पार्ट भी आता है। लंग्स के बाद जो है आप ये कौन सा है, लीवर एंड गोल ब्लैडर, राइट साइड में लीवर एंड गोल ब्लैडर आता है दोस्तों, इस पार्ट को भी आपको दबाना है। इस पार्ट के अलावा ये स्मॉल इंटेस्टाइन आधा पार्ट ले लेगा दोस्तों, ये देखिए ये आधा है तो ये आधा पार्ट ले लेगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये बीच का पूरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है, इसका ट्रीटमेंट लेना है दोस्तों। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे करके आया है दोस्तों, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट डैमेज है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का दोस्तों। अब ये आया तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड, बैक में हमारा स्पाइनल कॉर्ड है सर्वाइकल, तो ये आधा पार्ट तो हाफ पार्ट तो ले लिया दोस्तों, तो इस पार्ट में तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे हम लोग चलते रहेंगे, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग दबाएंगे। इस सारे पॉइंट्स दबाने के साथ ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है बराबर है, ये सारे स्पाइनल कॉर्ड को दबाने के बाद दोस्तों अब हमारे 7 ग्लैंड्स हैं। अब ये आया हाफ पार्ट लिया, तो ये पिट्यूटरी है तो पिट्यूटरी के पार्ट में प्रॉब्लम है, इस पार्ट को दबाएंगे। थायराइड है आधा पार्ट, ये थायराइड है, यहाँ पे थाइमस है दोस्तों, हाफ पार्ट यहाँ पे आता है, ये बीच का थाइमस का पार्ट ये लिए, ये पेनक्रियास साथ में इसे टच करता हुआ पॉइंट है, पेनक्रियास को दबाया। फिर यहाँ पे हमने टेस्टिकल्स को दबाया, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए ओवरीज है, एक ओवरी डैमेज है, ये ओवरीज के पॉइंट को दबाया। फिर यहाँ पे पाइनियल जो आधा हाफ आया तो हाफ में ले लिया है, हाफ इफेक्टेड है इसे भी लिया। फिर ये एड्रेनल ग्लैंड्स जो डर सबको ख़त्म करे और आपको रोशनी क्या कहते हैं आपको साहस आपको दे। फिर यहाँ पे ये हम ये करेंगे किडनी पॉइंट्स, और फिर ये पूरे ब्रेन में हम मसाज करके इसे कमांड दे देंगे, ब्रेन को बोलेंगे दोस्तों कि ये आप हमारे सारे ऑर्गन्स को देखते रहे। तो दोस्तों इस किडनी का पॉइंट जो यहाँ पे है, ये लाइन से यहाँ पे आया है, यहाँ पे हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसके अलावा इतना करने के बाद, ये सारी चीजों करने के बाद दोस्तों आपके पास ये पाँव, ये पूरा पाँव, ये पार्ट का जो पूरा पार्ट ऐसे करके ये आया है, तो ये आपका हाथ का जो ये पार्ट है दोस्तों, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा पार्ट, इस पार्ट का मसाज कर सकते हैं आप ऑयल से। ये पूरे पाँव का ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों, इसका पूरा मसाज आप कर सकते हैं दोस्तों, जिस साइड में है उस साइड में, चाहे तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है जिस साइड में, क्योंकि पूरे ऑर्गेन्स की बातें चेंज हो जाती है दोस्तों। तो ये आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों
मैं वीडियोस को बड़ा नहीं करते हुए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये आप राई है, देखिए दोस्तों ये राई है, ये हर एक उंगली के इस पार्ट में राई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हर एक उंगली में ये राई है, ये देखिए ये राई का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जो जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये लगाइए, ये सीड्स जब भी लगाएंगे तो कम से कम ये 8 घंटा सीड्स लगा रहना चाहिए दोस्तों। पॉइंट दबाना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये पॉइंट दबा के आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो उनका हर एक पॉइंट पेनफुल होगा लेकिन कुछ पॉइंट को टच करते के साथ, जैसे इस कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो टच किया वो हाथ खींच लेंगे, तो उस पॉइंट पे सीड्स लगाना बहुत फायदेमंद की चीज़ें हैं दोस्तों। ये देखिए ये सब राई है, मैं सब में राई लगा रहा हूँ। एक टेप ले लेना है आपको, टेप लेके राई का इस्तेमाल करना है दोस्तों, इसी तरह से इस उंगली में भी करना है दोस्तों। अब क्या करना है, ये हार्ट के पॉइंट पे हमें दो राजमा है जिसकी आंखें आमने सामने हो, ये व्हाइट डॉट जो है दोनों आमने सामने हो, ये दोनों का आमने सामने लिया और इसे अच्छे से चिपका डाला, अप्लाई किया, और ये हमारा किडनी पॉइंट है। तो दोस्तों ये राजमा ये यहाँ पे किडनी पे डालेंगे, इसका आंखें इधर, इसकी आंखें इधर, तो दोस्तों ये आंखें इस तरीके से इस साइड से हमें करना है, और उनको बोलना है कि बीच बीच में जिनको है वो हाथ से ऐसे ऐसे करके इस सारे पॉइंट्स को दबाते रहेंगे, और अगर आपके पास पेन हो कुछ भी हो तो उनको बोलिएगा कि जिस साइड है इस पॉइंट को भी आप, उस पॉइंट को भी आप अक्सर इस तरीके से इस पॉइंट को दबाते रहेंगे। तो इतना करने से दोस्तों थोड़ी सी चीज़ें ये पेन से भी ऐसे करके दबा सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपके पास इसका जिम्मी का नहीं हो तो, और उनको बोलिए एक पेन दे दीजिए कैसे ऐसे करके जिस पॉइंट में है, जो राइट साइड वाले पैरालिसिस है लेफ्ट साइड के पॉइंट को दबाएं और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो राइट साइड को दबाएं। इतना करने से आपको पैरालिसिस में अनबिलीवेबल फ़ायदा नज़र आएगा दोस्तों, कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर में बहुत चेंज नज़र आएंगे, हो सकता है 10 दिन में अंतर नज़र आए, हो सकता है महीने भर में आए, किसी को 2 महीने में आए, जैसा क्रॉनिक है उस हिसाब से रिजल्ट। अब बहुतों को तो हमने देखा है 1 हफ्ते में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं, तो दोस्तों इसको कीजिए, दूसरों को भी बताइए और ख़ुद भी फायदा उठाइए दोस्तों। पूरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बीमारी के बारे में, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बना के भेजूंगा दोस्तों। और साथ में किसी किसी का हाफ पार्ट चेहरे पे पैरालिसिस का इफेक्ट होता है दोस्तों, आगे की वीडियोज़ में मैं वो भी दूंगा आपको। पूरे वीडियोज़ देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।